राजौरी जिले में आर्मी वैल्यू स्कूल में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए। स्कूल में काफी संख्या में बच्चों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। बता दें, इस आयोजन पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि आज के दौर में बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है और जो लोग इसमें भेदभाव करते हैं वे अशिक्षित समझे जाते हैं। उन्होंने कहा, बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, बल्कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां सिर्फ महिलाएं ही आगे होती हैं। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर हमें अब अपनी सोच को त्यागना होगा और बेटियों को भी बेटों की तरह ही सम्मान देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज। मैंने किसी बेटी को पिछाते हुए नहीं देखा। अगर आप बेटियों को ज्यादा पढ़ाएंगे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ बेटियों को बचाना ही नहीं है, हमें उन्हें पढ़ाना भी है, उन्हें हमें आगे भी भेजना है ताकि वो हमारे नेशन का, हमारी इस यूनिवर्स का मतलब हिस्सा है, तो वो इस हमारे नेशन का, हमारी सोसाइटी का नाम रोशन कर सके, अपने पेरेंट्स का और अपना नाम बना सके। सबसे पहले तो मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने वेरी वी आर्मी पब्लिक स्कूल को ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम इस अभियान में उनका साथ दे पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया 22 जनवरी 2015 में, और इस प्रोग्राम का मकसद जो है एक समाज में एक अवेयरनेस लाना, समाज में लोगों को जागरूक करना ताकि बेटियों के प्रति हो रहे अत्याचार को, अनाचार को और उनके प्रति जो भेदभाव किया जाता है उसको हम कम कर सकें और बेटियों को पढ़ा लिखा कर आगे एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा सकें ताकि बेटियों को मान समाज में बाकी बेटियों को भी उनसे प्रेरणा मिले और वो भी प्रेरित हों, वो भी आगे आएँ और अपने रजौरी का, अपने देश का, अपने राज्य का नाम रोशन कर सकें। खासकर बेटियों को क्या मैसेज देंगी? मैं तो बेटियों को यही मैसेज दूंगी कि बेटियां सारे बंधन तोड़कर आगे आएं, अपने आप को बताएं कि हम बेटियां किसी से कम नहीं। आज के इस प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि हम बेटियां हम कम नहीं, दम हम में किसी से कम नहीं। आज बेटियों ने आसमान को छू लिया है, अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं, तो बेटियों में भी वो जज्बा है करने का कि वो किसी से भी, किसी को भी टक्कर दे सकते हैं।